वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड इन मैथ्स क्लास. टुडे वी विल डू पेज नंबर 31 सीसीई ड्रिल 1. फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर. द नंबर नेम्स फॉर 5178 इज, इसमें आपको फोर ऑप्शंस दिए हैं, आपको वन को टिक करना है. फाइंड 5178, ये भी क्या है 5178, तो यही आपका राइट ऑप्शन है. ये है 5078, ये है 8157, ये है 5008. नेक्स्ट है द करेक्ट नोमेरल्स फॉर 1208, देखो 1000, ये 1082 है, ये तो 2000 है, 1208, तो यही आपका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट है द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 9820, ये 9000 है, ये 200 है, हमें 800 ढूंढना है, 9820 ये आपका राइट ऑप्शन है. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 7100, ये 7030 है, ये भी 7030 है, ये 34 था, 7104 है, ये 7134 है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है. फिफ्थ क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है जो 999 वाला होता है, वो फोर डिजिट का, तो फोर टाइम नाइन्स, 1 2 3 4, तो ये आपका राइट ऑप्शन है. द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट जो डिजिट होता है वो जीरो वाला होता है, 3 times 0 और 1, वो फोर डिजिट का हो गया, तो ये आपका स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 1700, तो प्लेस वैल्यू क्या है 700, 7 जो है 100 के प्लेस पे है, तो ये आपका ये है 700. द नंबर विच कैनॉट बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स दिस, कौन सा नंबर इन डिजिट्स को रीचेंज करके नहीं बनता है, तो ये आई थिंक ये जैसे है नंबर 9 2 बार 9, ये वाला नंबर नहीं बनेगा, 3 times 9 है और 1 8 है, इसमें 2 times 8 आ रहा है आपका, तो ये नंबर नहीं बनेगा. बाकी देखो सब में 8 और 3 times 9 है, 8 और 3 times 9 है, 8 और 3 times 9 है, इसमें 2 times 8 है, 2 times 9 है, तो ये नंबर नहीं बन सकता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल डिजिट इज इक्वल, कि कौन से डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है. इसमें देखो ये 0 है, ये 4 है, इसमें 4 की फेस वैल्यू तो 4 होगी लेकिन प्लेस वैल्यू 40 होगी, इसकी फेस वैल्यू 2 और प्लेस वैल्यू 2000, ये फेस वैल्यू 7 होगी और प्लेस वैल्यू 70 होगी. ये 0 ऐसा नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू भी 0 है और फेस वैल्यू भी 0 है. द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर ऑब्टेंड बाय स्किपिंग 1 numbers आफ्टर इट, 1 number greater than it or 1 number less than it, the numbers obtained by subtracting 1 from it. ये तो नहीं आएगा, ये आएगा 1 number greater than it, the number obtained by skipping 1 numbers after it. ये भी नहीं, skip करके एक number skip करके नहीं आएगा, 1 number greater than it, जो भी वो number होगा उसके अगले, मतलब एक number ज़्यादा जो होगा वो successor होता है. स्टूडेंट्स नाउ सीसीई ड्रिल 2, इसमें भी चूज द करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, जैसे आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो इन चारों ऑप्शंस में आपने ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसे है जो असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है. ठीक है, आप इसको ये 7000 तो नहीं हो सकता, ये 1000 हो सकता है, ये 6100 है, ये 7619 है, ये 7169 है, तो मेरा तो यही लग रहा है मुझे. और भी देख लेते हैं, 1000 फिर 1000 के बाद 6000 आ गए, ये नहीं है, ये 6000 से स्टार्ट है, तो राइट ऑप्शन आपका सी वाला है. टर्न द पेज स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट वाले में आपका राइट ऑप्शन जो है बी है. इसमें देखो बेटा 1967 है, ये 6179 है और ये 7169 है, पहले 1000 फिर 6000 फिर 7000 फिर 7100 और ये 7600, ये ऑप्शन आपका राइट नहीं था क्योंकि यहाँ
7619 था और यहाँ 7100 वो पीछे था, इसलिए ये आपका राइट ऑप्शन नहीं था। टर्न द पेज स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे ये है 6644, ये 4464, ये है 4600। तो ये यहाँ से सीरी इनकी गड़बड़ हो गई है, ये 64 वाला पहले लिख दिया 400 वाला, 600 वाला बाद में लिखा है। अब इसमें देखो ये 4000 से स्टार्ट हो रही है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या सबसे पहले बड़े वाला आता है, तो 6000 वाले से स्टार्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट है ये 6644, ये 6664 उसके पीछे लगा दिए हैं, उसके बाद है ये 400, तो ये गलत इनकी अरेंजमेंट हो गई है। नहीं, ये 6064 है, ये 4066 और ये इसने 6046 पीछे कर दिया, जबकि ये इसके प्लेस पे आना था। अब इसे देखो 6644, 4664, ये 4646 और ये 4466, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ये डी वाला। थर्ड क्वेश्चन है 4298 इज़ द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है, उससे पिछले वाला, किसका किसका ये मतलब प्रीडिसेसर है 4291 का, 4290 का, जब 4299 का, 4297 का, प्रीडिसेसर किसका ये 4299 का। क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट, इनमें से क्या इनकोरेक्ट है। ये 2105 है, ये 2100 है, तो ये ग्रेटर है। ये 8917 है, ये 8197 है, तो ये इक्वल नहीं है, ये वाला रॉन्ग है, इनकोरेक्ट है। और भी देख लेते हैं हम, ये 6159, ये 6150, तो ये बड़ा ही है, ये भी सही है। 3344, ये 4000 है, तो ये भी बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है सी वाला, ये वाला मिस्टेक है, ये इनकोरेक्ट है। फिफ्थ, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट इज प्रीडिसेसर ऑफ, मतलब ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर का नंबर है वो क्या, किसका प्रीडिसेसर होता है। तो ए ऑप्शन आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट, नन ऑफ दिस। तो ये होता है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट। फोर डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1000 होता है, और जो है आपका थ्री नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो 9999 होता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0356 इज दिस, ये है 3056, तो ये आपका ट्रू है। सेकेंड है बी पार्ट, द सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट नंबर, जो सक्सेसर होता है हमेशा जिस नंबर का वो सक्सेसर होता है उससे बड़ा होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 5612 इज, ये 5000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 2, ये भी आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस 8742 इज 20, फेस वैल्यू क्या होती है वही डिजिट होता है, इसमें 2 आना था, तो ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर टेल्स द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म जो है क्या बताती है, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स, ठीक है, ये भी आपका ट्रू है। हर एक की वो प्लेस वैल्यू जो है वो उस डिजिट की प्लेस वैल्यू बताती है, हर एक नंबर जो है। सिक्स है 6400 इज रिटन एज 6400, ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है जी का फर्स्ट पार्ट है 2025, ये 2250 है, तो ये आपका फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ये 6303 का, ये आपका ट्रू है। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज डू सी सी ई ड्रिल 1 एंड 2 इन योर
मैथ्स नोटबुक। थैंक यू।